यार ये व्यू चेक करो यार, माशाल्लाह कितना फिट आ रहा है। यहाँ से व्यू चेक करो यार, पहाड़ है और ये जो है ये आर्टिक फैक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग? तो यार मैं बाहर आया हुआ था, मैंने कहा आज जो है ना जिधर मैं रहता हूँ अपने कैंट का टूर आपको करवाऊँ। तो यार मैं ना रहता हूँ HIT कैंट में, अगर आप लोगों में से किसी ने नाम सुना हो। जैसे आप यार यहाँ से व्यू चेक करो यार, पहाड़ है और ये जो है ये आर्टिक फैक्ट्री है। इधर टैंक्स वगैरह जो आगे से बन के आते हैं ना, तो वो यहाँ पर ना मतलब खड़े कर देते हैं, तो कोई भी विजिट वगैरह आता है ना आर्मी चीफ का है, किसी भी बड़ी पार्टी का, तो वो फिर इधर आता होता। तो यार एक टाइम था, ये जो आप देख रहे हैं ये दरमियान में ये दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये जगह बनी हुई, इधर टैंक खड़ा हुआ करता था। और ये जो सारी जगह है ना, इधर मेला लगता था, फेस्टिवल लगता था। यार इस साइड पर तो धूप है सख्त, हम ना उधर आगे जाते हैं, उधर छाँव में बैठते हैं। यार ये व्यू चेक करो यार, माशाल्लाह कितना फिट आ रहा है। यार हम जो है ना अभी इधर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ी छाँव है और हवा भी लगी हुई है ना। यार मैं कह रहा था ना कि यार देखो मैंने ये नया चैनल बनाया अभी, और इस चैनल के बारे में ना मतलब मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ, अपने किसी दोस्त को या किसी भी रिश्तेदार को, किसी को भी नहीं बताया हुआ। तो यार जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था सब कुछ, कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है यूट्यूब चैनल। मैं तकरीबन 2016-15 से ना यूट्यूब पर पोस्टिंग कर रहा हूँ। बहुत चैनल्स थे मेरे, 2-3 गेमिंग के थे, और शुरू शुरू में जो है ना जब 2015-16 में पोस्ट करता था ना यूट्यूब पर वीडियोस, तो मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह पोस्ट करता होता था, तो जो कि कुछ जो है वो अभी भी मेरे पास लैपटॉप पे पड़ी है। ठीक है, उस टाइम इतना अच्छा फ़ोन तो नहीं था, बल्कि फ़ोन था ही नहीं मेरे पास। अच्छा क्या, मैं अपने बाबा के फ़ोन से रिकॉर्ड करता होता था वीडियोज़, या तो मेरा एक दोस्त होता था उसके पास फ़ोन होता था ना, उसके फ़ोन से रिकॉर्ड करते थे। तो खैर वो चैनल भी जो है वो इतना नहीं चला। उसके बाद फिर और भी काफ़ी चैनल बनाए, मतलब इन शॉर्ट अब बात बहुत लंबी हो जाएगी, इन शॉर्ट यही कि मतलब कोई भी चैनल ना मेरा इस तरह मतलब नहीं कामयाब हुआ, तो एक फिर नई उम्मीद के साथ अभी ये चैनल मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको अभी इंशाल्लाह आगे हम लेके जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। ये तो यार ये है हमारा झील पार्क, ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने अभी पानी जो है ना ये चेंज किया, मगर ये भी देखो कितना गंदा हो गया यार, और इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं आपको पता। तो यार आज जो है वो 28वां रोज़ है, और 2 रोज़े रह गए हैं या फिर 1 रोज़ा रह गए, तो मुझे तो यार इस तरह की मतलब वाइब आ रही है किस तरह ना 1 रोज़ा होगा, तो मतलब कंफर्म तो नहीं बंदा कोई कह सकता, ज़ाहरी बात है, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस दफ़ा 29 रोज़े होंगे या 30 होंगे? और इंशाल्लाह ईद पे भी अच्छा सब लोग आएगा, आप लोगों ने लाजमी देखना है। कितना सुकून है यार इस जगह पे, देखो बिल्कुल खामोशी, मगर यार बस कुछ ही अरसे का सुकून है। ठीक, फिर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरे जो बाबा हैं वो रिटायर हो चुके हैं ना इस कैंट में से, तो अभी जब बंदा रिटायर हो जाता है ना फिर उसके बाद ना एक्स्ट्रा 6 मंथ्स मिलते हैं ना ऊपर, आप चाहो तो रह लो, चाहो तो मतलब ना रहो, मर्जी होती है आपकी, मगर आपको ना बिल शिल सब कुछ जो है ना वो खुद देना पड़ता है, गैस बिजली पानी सबका बिल खुद देना पड़ता है, बट आपको जो है तनख्वाह वगैरह ऑब्वियसली नहीं मिलती। तो हम लोग जो है ना वो बेसिकली एबटाबाद से हैं, ठीक है, तो हमारा घर जो है वो एबटाबाद में है ना, जो हमारा मेन अपना घर है, ठीक है, और ख़ानदान भी सारा मतलब एबटाबाद में, रिश्तेदार वगैरह, और हम जो है वो इधर रह रहे हैं ना पिछले 35-40 सालों से इधर टेक्सला में ना इस कैंट एरिया में, तो क्योंकि इधर बाबा की जॉब थी और इधर हमें घर मिला हुआ था, तो हम इधर सब रहते थे ना, एजुकेशन वगैरह पढ़ाई शढ़ाई भी हमारी इधर। अभी इंशाल्लाह मेरा तो लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी हमारी पोस्टिंग होने से पहले पहले, मगर जो मेरा छोटा भाई है ना उसकी अभी पढ़ाई चल रही है। तो मैंने जो है वो बाहर एक घर ख़रीदा था, ठीक है, जिसकी वीडियो भी जो है वो मेरे चैनल पर लगी हुई है, मैंने सरप्राइज़ दिया था अपने मामा पापा को, तो क्योंकि वैसे तो जो हमारा प्लान था सबका वो एबटाबाद ही हमने जाना था, क्योंकि मेरे बाबा जो है ना वो कभी भी किराए पर नहीं रहते, जो मर्जी हो जाए अपना छोटा सा एक कमरा क्यों ना हो, मगर किराए पर जो है ना वो नहीं रहना पसंद करते। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप इधर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, उसमें मैंने अपने मामा बाबा को जो है वो सरप्राइज़ दिया था। यार ये जगह ऐसी है ना कि मतलब अगर आप इस तरह मतलब वीडियो बना रहे होगे ना तो, या कैमरे इस तरह निकाल लोगे ना, तो मतलब लोग खड़े होकर आपको देखने लग जाएंगे कि ये क्या कर रहा है। हालांकि जो मतलब थोड़ा इस्लामाबाद वाली साइड आप चले जाओ या थोड़ा आगे चले जाओ ना, तो उधर तो ये नॉर्मल चीज़ है, लोग मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मगर इस साइड पे ना इतना कोई है नहीं इस तरह यूट्यूब का, तो लोग जो है वो खड़े होकर देखने लग जाते हैं,
तो वो थोड़ा सा ना बंदे को अजीब लगता है। खैर यार, मुझे पता है कि मैं एक जगह पे बैठ के बोल रहा हूँ, बोरिंग हो जाएगा। मगर यार देखो ना उधर कितनी धूप है यार, क्या करते हैं यार, इधर थोड़े से छाव। ओ यार वो देखो अभी इधर ना मछली ने छलांग मारी है, वो देखो आपको वेव्स वगैरह वो नज़र आ रही होंगी। अच्छा तो यार मेरी चार्जिंग भी कम रह गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब मैं सिंगिंग वगैरह भी करता हूँ, मैंने अपने काफ़ी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स जो हैं वो कवर किए हैं, उसके बाद कॉलेज में काफ़ी मतलब मैंने इवेंट्स किए हैं, और इन शॉर्ट जो है मतलब मैं स्कूल से ना सिंगिंग करता आ रहा हूँ। मगर अभी तो रमज़ान चल रहा है तो सिंगिंग वगैरह नहीं कर सकते फ़िलहाल। ईद के बाद जो है वो हम एक चैनल क्रिएट करेंगे, उसमें जो है मैं अपने सिंगिंग के कवर्स वगैरह अपलोड किया करूँगा, तो आप लोग वहाँ पर वो सुन सकते हो। अगर इस वक्त क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो मैं आपको थोड़ी सी जो है वो नात सुना देता हूँ, ठीक है। कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। तो कैसी थी यार नात? तो यार अभी जो है वो उठते आगे चलते हैं कहीं, क्योंकि इधर बैठ बैठ के ना मैं तो बोर हो गया हूँ। लोग जो है वो ना शाम के टाइम इधर काफ़ी आवाम आई हुई होती है, अभी इस टाइम तो कोई नहीं है क्योंकि दिन का टाइम है ना। क्योंकि अभी यार मेरे ना मतलब व्लॉगिंग की जो नीश है ना, मतलब व्लॉगिंग की जो कैटेगरी है, इसमें मतलब फ़र्स्ट टाइम हूँ मैं, मैंने पहले कभी व्लॉगिंग वगैरह की नहीं है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि मतलब मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। जो समझ में आ रही है मैं बना रहा हूँ, ठीक। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि यार मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। आप लोग भी ना मतलब ये सजेशन वगैरह दे सकते हो, कोई आइडिया वगैरह आप लोगों के जहन में आ रहा हो कि ये करो, इस बारे में वीडियो बनाओ, तो वो आप लोग लिख सकते हो नीचे कमेंट्स में, मैं जो है वो कमेंट्स पढ़ूंगा। अच्छा कल रात को क्या हुआ पता है? दोस्त ने हमें बुलाया हुआ था इफ्तारी पे, तो यार अजाने वगैरह हो रही हैं, ठीक। A few moments later. अच्छा तो यार मैं कह रहा था कि रात को ना हम गए थे इफ्तारी पे, एक दोस्त की तरफ उसने बुलाया हुआ था, तो इफ्तारी वगैरह करके हम निकल गए। उसने कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी, शॉपिंग तो नहीं, खैर एक खेड़ी लेनी थी उसने, तो हम लोग निकल गए नवाबाबाद की तरफ। और उधर जो रश थी, तौबा तौबा भाई, बंदे बंदे के साथ जुड़े हुए थे, गुजरने की जगह नहीं थी। और हम बाइक पे गए थे, एक ही बाइक पे तीन लड़के हम गए हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पर निकले। उधर का भी मैंने व्लॉग बनाया था, मगर वो मेरे दोस्त के फ़ोन पे था, क्योंकि जो मेरा फ़ोन था ना इसकी स्टोरेज फुल हो गई थी, 64 GB तो है यार ये। और पता है आप लोगों को मैं कैसे बनाता हूँ वीडियो, जब मैं अगली वीडियो बनानी होती तो पीछे डिलीट करनी पड़ती है, तो देख लो भाई यही जो है ना कमिटमेंट है, ठीक है। ये सब यार एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है, जिसने बनानी होती है ना तो वो किसी भी तरह बना ले। तो यार आई थिंक अभी चलते हैं घर, और फिर वीडियो को एडिट वगैरह करके मैं पोस्ट करता हूँ। और आप लोग प्लीज़ यार खुदा ना वास्ता ने इस वीडियो पे जो है कम से कम यार 10 likes तो करवा दो यार, 10 likes का गोल है यार, आप लोग 10 likes का गोल करवा दो, ठीक है, फिर जो आप लोग बोलोगे मैं वही करूँगा, ठीक है, 10 likes करवा। तो यार अभी चलते हैं हम लोग घर, ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। यार ये बाल कटवा के मैंने बहुत बड़ी गलती की है यार। तो यार ये इधर मैं अपना प्लाजा बनवा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, इंशाल्लाह अपना भी एक दिन बनाएंगे।